नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग हेल्प चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तलवंडी सबो की। तलवंडी सबो में हम आए हुए हैं जो पंजाब में है, बहुत बड़ी मंडी है ट्रैक्टरों की और ये बुधवार के दिन लगती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले है सोनालिका DI 35। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अगले टायर की। अगला टायर इसका 6/16 का JK का। पिछले टायर की अगर हम बात करते हैं तो पिछला टायर भी इसका JK का ही है। और बात करें उसके साइज़ की तो वो 13/6/28 का है। एक बार आप कंडीशन देख लीजिए। इसके मॉडल की भी हम बात करेंगे, आगे से देख लीजिए इसकी कंडीशन आप एक बार। अगले टायर की बात करें तो अगला टायर काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, पिछला टायर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। पिछला टायर बोल सकते हैं कि तकरीबन 80-85% है। बात कर लेते हैं इसके मॉडल की। तो ये जो मॉडल है ये है 2006 और कीमत की अगर हम इसकी बात करें 235,000 की कीमत की गई है। छतरी के साथ में ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है, देख सकते हैं आप कंडीशन इसकी। अब बात कर लेते हैं अगले की। अगला है फार्म ट्रैक 50 और बात करें इसके अगले टायर की। अगला टायर JK का 6/16 का। पिछले टायर की बात करें, पिछला टायर JK का 13/6/28 का। छतरी है इसके साथ में। मॉडल की बात करें मॉडल 1999 और कीमत की बात करें तो 1,65,000 इसकी कीमत रखी गई है। आगे चलते हैं, तब तक ये लगा लेते ट्रैक्टर। यहाँ बहुत भीड़ रहती है ट्रैक्टरों की, तो काफ़ी परेशानी यहाँ पर होती है वीडियो बनाते टाइम। तो बात कर लेते हैं इसकी। ये है सोनालिका DI 60। इसकी बात कर लेते हैं इसके अगले टायर की। अगला जो टायर है इसका वो JK का है 6/16 का। पिछले टायर की बात करें, पिछला टायर गुडियर का है 13/6/28 का। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत और इसके मॉडल की। तो ये जो मॉडल है ये 2011 मॉडल है, सोनालिका DI 60। और कीमत की बात करें, इसकी कीमत 3,00,000 रखी गई है। पीछे से भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, पीछे से भी आप इसको देख सकते हैं, देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी गर्मी की वजह से जो मोबाइल हैं वो हीट हो रहे हैं, तो उनको ठंडा रखने के लिए कुछ किया गया है, जिसकी वजह से कई बार जो है आपको कैमरे में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है व्यू में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये है फार्म ट्रैक 60। इसकी बात कर लेते हैं। इसका जो अगला टायर है 6/16 का MRF का है। पिछले टायर की बात करें, पिछला टायर भी इसका MRF का है, तो वो जो है 14/9/28 का है। अब बात कर लेते हैं इसकी मॉडल और इसकी कीमत की। तो ये जो मॉडल है 1998 और कीमत की बात करें 1,95,000 इसकी कीमत की गई है। कंडीशन देख लीजिए इसकी एक बार। पिछला टायर मुश्किल से 10-15% और अगला टायर 20-30% बाकी है। अगले ट्रैक्टर की बात करें तो अगला ट्रैक्टर है ये महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा 1605 DI। इसके अगले टायर की बात करें तो हमारा आपका अगला टायर है इसका 7/50/16 का। पिछले टायर की बात करें तो पिछला टायर है इसका गुडियर कंपनी का 16/9/28 का। कंडीशन आप इसकी देख लीजिए। और मॉडल की अगर हम बात करें 2009 मॉडल ये ट्रैक्टर है, देख सकते हैं आप। और टायर की कंडीशन देख लीजिए आप। पिछला टायर जो है 45-50% और अगला टायर ये देखिए। अब बात कर लेते हैं मॉडल और कीमत की। मॉडल 2009 और कीमत 3,65,000 इसकी की गई है, 3,65,000। पीछे से दिखा देते हैं एक बार आपको। पीछे से देख लीजिए, ये देखिए ये है पीछे से। अब चलते हैं अगले ट्रैक्टर की ओर। अगला जो ट्रैक्टर है वो है फार्म ट्रैक 60, देख सकते हैं आप। इसकी बात कर लेते हैं। इसके अगर अगले टायर की हम बात करते हैं तो अगला जो इसका टायर है वो 6/16 का है। और पिछले टायर की अगर हम इसकी बात करते हैं तो पिछला जो टायर है इसका JK का है 13/6/28 का। कंडीशन आप दोनों टायरों की देख लीजिए एक बार, कंडीशन दिखा देता हूँ आपको। अगले टायर की देख लीजिए और पिछले टायर की भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है जो टायर हैं इसके। अब बात कर लेते हैं मॉडल की। तो मॉडल है 2003 और कीमत की बात करें तो कीमत है इसकी 2,40,000, 2003 मॉडल, देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे भी है फार्म ट्रैक 60, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसके अगले टायर की बात करें तो MRF का अगला टायर है 6/16 का। पिछले टायर की बात करें तो MRF का है 13/6/28 का। पिछला टायर काफ़ी अच्छी कंडीशन में है।
वो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। बात कर लेते हैं इसके मॉडल की। मॉडल 2006, कीमत 2,55,000 इसकी की गई है। अब अगले टायर की कंडीशन देख लीजिए और अब पिछले की देख लीजिए, और अब आपको पीछे से भी ये ट्रैक्टर जो है आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। तो ये है पीछे से,